पुलवामा हमले का बदला लेने के लिए भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान में एयर स्ट्राइक किया, जिसमें 300 से ज्यादा आतंकवादियों को मार गिराया गया। उसके ठीक बाद पाकिस्तान ने अपने फाइटर प्लेन F-16 को भारत में भेजने की कोशिश की, लेकिन भारत के MiG-21 ने फाइटर प्लेन को मार गिराया। लेकिन भारत के MiG-21 क्रैश होकर पाकिस्तानी सीमा में जा गिरा, जिससे हमारे वीर बहादुर पायलट अभिनंदन को पाकिस्तानी सेना ने गिरफ्तार कर लिया। आज अंतर्राष्ट्रीय दबाव होने के बाद पाकिस्तान हमारे वीर बहादुर पायलट अभिनंदन को भारत भेज रहा है। लेकिन इसी के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम का आयोजन किया गया, और इस कार्यक्रम के तहत भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित किया गया। ठीक 2 दिन पहले 26 फरवरी को भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह द्वारा गाजीपुर में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया हमारे था, फौजी जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री ठिकानों नरेंद्र को मोदी को टारगेट करने की फिर से कोशिश की, प्रधानमंत्री बनाने के लिए जनता से अपील हर किया। भारत का इस पर नागरिक विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने और हर कड़ा रुख शांतिप्रिय जताया, नागरिक इसकी आलोचना की दुनिया और का प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उस ये कार्रवाई बताया की कि कड़ी से भारतीय कड़ी जनता पार्टी शब्दों द्वारा में किए सख्त गए ये निंदा कार्यक्रम की। हमारे देश के लिए शर्मनाक पर है। आइए देखते हैं पूरी रिपोर्ट। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि ऐसे समय जब मुल्क का जो माहौल है, मुल्क का जो मिजाज है, वो राजनीति से ऊपर उठा हुआ है, और इसीलिए कांग्रेस पार्टी ने अपने वर्किंग कमेटी की जो बैठक थी उसको स्थगित किया, क्योंकि हमारा ये मानना है कि ये समय नहीं है राजनीतिक प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का, और ऐसे समय में भारत के प्रधानमंत्री ने ये उचित समझा कि वो देश को संबोधित करने की जगह अपने बूथ के वर्करों को संबोधित करें। आज समय है देश को और सुदृढ़ करने का, देश को और मजबूत करने का, और ऐसे समय में देश अपने नेतृत्व की ओर देखता है, और अगर मुल्क ये पाए कि जो कहते थे कि देश दल से बड़ा है, उनकी जो कथनी और करनी में दल देश से बड़ा पाया जा रहा है, तो एक बहुत बड़ी ठेस पूरे मुल्क को पहुंचती है। और ये सिर्फ प्रधानमंत्री जी तक ही सीमित नहीं है। जिस दिन नॉन मिलिट्री प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स की गई, उसी दिन भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष गाजीपुर में प्रधानमंत्री के लिए वोट मांग रहे थे कि श्री नरेंद्र मोदी जी को दोबारा भारत का प्रधानमंत्री बनाया जाए। हम उनसे पूछना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित अध्यक्ष से, क्या ये समय है सियासत करने का? क्या ये समय है राजनीति करने का? देश की सुरक्षा और सामर्थ्य का संकल्प लेकर हमारा जवान सीमा पर डटा हुआ है। हम सब पराक्रमी भारत के नागरिक हैं, इसलिए हम सबको भी सिपाही बनकर देश की समृद्धि और देश में सौहार्द के लिए दिन रात एक करना होगा, और यह हमारी पहली जिम्मेवारी है।
पराक्रमी कभी ये नहीं सोचता कि चलो बहुत हो गया अब सो जाओ, यह नहीं चल सकता। हमें जीवन के हर क्षेत्र में पराक्रमी होना है, विकास की नई ऊंचाइयों को छूना है, प्रगति के नए कीर्तिमान बनाने हैं। देश के भीतर और देश की सीमा पर दिन रात एक करके एक एक वीर बेटे और वीर बेटी के प्रति हम कृतज्ञ हैं, वो है तभी हम है। और इसलिए मेरा प्रत्येक देशवासी से आग्रह है कि राष्ट्र निर्माण के इस महायज्ञ में वो जिस भी दायित्व के साथ जुटे हुए हैं उसे पूरी जिम्मेदारी के साथ निभाते चले, पहले से अधिक काम करते करें, पहले से चलने की गति बढ़ा दें, देश को प्रगति पथ पर आओ मिलकर के बढ़ते चले। इंडिया विल लिव एज वन, इंडिया विल वर्क एज वन, इंडिया विल ग्रोथ एज वन, इंडिया विल फाइट एज वन, इंडिया विल विन एज वन। हमारा देश नई नीति और नई रीति के साथ अपनी क्षमताओं का विस्तार करने में जुटा है। पाकिस्तान की भूमि पर, पाक ऑक्यूपाई कश्मीर की भूमि पर जो आतंकवादी छिप कर बैठे थे, वो आतंकवादी देश के अंदर घुसकर देश का नुकसान न कर सके, इसके लिए इन पर एयर स्ट्राइक कर उनका खात्मा करने का काम हमारे एयरफोर्स के जवानों ने। मैं आज देश भर में फैले भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ता और देश की जनता की ओर से ये वीर जवानों को सत सत नमन करना चाहता हूं कि आपने भारत की रक्षा के लिए वीरता का प्रदर्शन किया। उसके साथ साथ जिनकी राजनीतिक इच्छा शक्ति, जन इच्छा शक्ति और आतंकवाद के खिलाफ लड़ने की जिनकी मनसा पूरे विश्व के अंदर जानी जाती है, ऐसे हमारे प्रिय नेता और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मैं हृदय से अभिनंदन देना चाहता हूं कि इन्होंने इस काम का संकल्प पूरा। मित्रों, मोदी जी की जो मजबूत इच्छा शक्ति है और आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की जो भावना है, वो भावना विश्व में किसी भी नेता के पास नहीं। मोदी जी जब से देश के प्रधानमंत्री बने तब से आतंकवादी विचार हो, आतंकवादी घटनाएं हो, आतंकवादी संगठन हो या आतंकवाद फैलाने वाले आतंकवादी हो, इन चारों की ओर जीरो टॉलरेंस की नीति लेकर देश के प्रधानमंत्री चलते हैं। और आज